सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपड़िया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ थॉर 1100 के बारे में, और इस वीडियो में मैं थॉर 1100 के एंडिंग से रिलेटेड और थॉर 1100 के क्रेडिट सीन से रिलेटेड कुछ मेजर लीक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो ज्यादा नहीं पर कुछ स्पॉयलर्स जरूर कंटेन करने वाली है थॉर 1100 से रिलेटेड, तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप सबको एक काफी बड़ी स्पॉयलर वार्निंग। बाकी विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चले सीधे पॉइंट पर आते हैं और थॉर 1100 के प्लॉट लीक्स के बारे में बात करते हैं। सो इंटरनेट पर ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि थॉर 1100 के अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का रोल बहुत ही मिनिमल होने वाला है, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आपको सिर्फ थॉर 1100 के शुरुआत में ही देखने को मिलने वाली है। और हमें थॉर 1100 के ट्रेलर से भी इतना पता है और इतना हम गेस कर सकते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थॉर 1100 की मूवी की शुरुआत में ही होगी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का ज्यादा बड़ा रोल नहीं होगा थॉर 1100 के अंदर। सो ये तो बात हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं जेन फॉस्टर की माइटी थॉर के बारे में। सो जेन फॉस्टर की माइटी थॉर अपना डेब्यू करने वाली है थॉर 1100 के अंदर, पर बेसिकली कॉमिक्स में भी जेन फॉस्टर तब थॉर बनती है जब जेन फॉस्टर कैंसर से सफर कर रही होती है। सो थॉर 1100 के अंदर भी जेन फॉस्टर कैंसर से सफर करने वाली है, और जेन फॉस्टर का कैंसर एक काफी बड़ा प्लॉट पॉइंट होने वाला है थॉर 1100 के अंदर। और इस बात को एक्चुअली मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि जेन फॉस्टर को कैंसर होने वाला है इस मूवी के अंदर। और थॉर 1100 के अंदर जेन फॉस्टर का डिजीज और जेन फॉस्टर का कैंसर एक काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और इंटरनेट पे तो ऐसे भी रूमर्स हैं कि जेन फॉस्टर की माटी थॉर मे बी थॉर 1100 को सर्वाइव ना करे। अब ऐसा क्यों होगा, इसके ऊपर हो सकता है मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊं जहां पे मैं कुछ थ्योरीज को डिस्कस करूंगा कि क्यों थॉर 1100 के अंदर जेन फॉस्टर की माटी थॉर मर सकती है। वैसे तो इंटरनेट पे ऐसे भी रूमर्स थे कि थॉर 4 के अंदर क्रिस हेम्सवर्थ थॉर मरने वाला है, पर मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर आपको थॉर 5 में भी दिखेगा, तो ऐसा हो सकता है कि क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर नहीं बल्कि थॉर 1100 के अंदर जेन फॉस्टर की माइटी थॉर मरे। इसके अलावा चलिए बात करते हैं गॉड द गॉड बजर के बारे में। सो इंटरनेट पे बेसिकली ऐसे रूमर्स हैं कि गॉड द गॉड बजर का मोटिव भी थॉर 1100 के अंदर कॉमिक्स जैसे ही होने वाला है। बेसिकली कॉमिक्स के अंदर क्योंकि गॉड द गॉड बजर की पूरी फैमिली मर जाती है ड्यू टू स्टारवेशन, और क्योंकि गॉड्स गौर की हेल्प नहीं करते हैं उसकी फैमिली को बचाने के लिए, इसलिए बेसिकली गौर सारे गॉड्स को मारने लगता है। अब बेसिकली थॉर 1100 की मूवी के अंदर भी कुछ सिमिलर होने वाला है जहाँ पे गॉड द गॉड बुचर सारे गॉड्स को मारना चालू कर देगा क्योंकि उसकी फैमिली मर गई होगी। और बेसिकली थॉर 4 के अंदर गॉड द गॉड बुचर सारे गॉड्स को मारना तो चाहता ही होगा, प्लस वो अपनी फैमिली को भी वापस से जिंदा करना चाहता होगा, जो कि काफी सिमिलर है कॉमिक से। बाकी इंटरनेट पैसिव रूमर्स है कि गॉड द गॉड बुचर मोस्ट प्रोबेबली थॉर 4 के लास्ट में हार जाएगा, और मे बी क्रिस्टियन बेल का गॉड द गॉड बुचर इस मूवी के लास्ट में मर भी सकता है। पर हम सबको पता है कि मार्वल स्टूडियोज अपने विलन्स को जल्दी मारते नहीं है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी हमें ऐसा लग रहा था कि वांडा मर गई है, पर वांडा मोस्ट प्रोबेबली नहीं मर गया है। सो ऐसा हो सकता है कि थॉर 4 के लास्ट में हमें ऐसा लगे कि गॉड द गॉड बुचर मर गया है पर वो असल में नहीं मरा होगा, और मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हो सकता है गॉड द गॉड बुचर वापस भी आए। सो ये तो बात हुई गॉड द गॉड बुचर की। चलिए अब बात करते हैं ज्यूस की। सो ज्यूस का कैरेक्टर भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है थॉर 1100 के अंदर। इंटरनेट पर ऐसे रूमर्स थे कि थॉर 1100 के अंदर ज्यूस को बेसिकली गॉड द गॉड बुचर मार देगा, पर मोस्ट प्रोबेबली ज्यूस थॉर 1100 के अंदर नहीं मरने वाला है। ज्यूस का कैरेक्टर और बाकी सारे ग्रीक गॉड्स को हम मार्वल में और भी सारी मूवीज में देखने वाले हैं। इंटरनेट पर तो ऐसे भी रूमर्स हैं कि थॉर 1100 के क्रेडिट सीन में हम ज्यूस को और उसके बेटे को यानी कि हरकुलस को देखने वाले हैं। थॉर 1100 के क्रेडिट सीन्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना कर रखी है, तो अगर आपको थॉर 1100 के क्रेडिट सीन्स के बारे में और जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हो। बाकी थॉर 4 के अर्ली रिएक्शन रिव्यूज भी इंटरनेट पे आउट हो चुके हैं, जिसके ऊपर भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट्स में ये लिख के बताना ना भूलें कि आप किस दिन थॉर 1100 को देखने के लिए जा रहे हो। और अगर आप थॉर 1100 को फर्स्ट डे देखने के लिए जा रहे हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप मार्वल और थॉर के कितने बड़े फैन हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।